अक्सर लड़कियां अपनी खूबसूरती को बरकरार रखने के लिए पार्लर का सहारा लेती हैं, साथ ही महंगे से महंगे प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करती हैं, जिसके बावजूद भी उन्हें कोई फायदा नजर नहीं आता। लेकिन आज हम आपको एक ऐसे घरेलू उपाय के बारे में बताएंगे जिसका ज्यादातर इस्तेमाल हर घर में होता है, यानी हर घर में चावल बनता है, लेकिन चावल पकाने के बाद उसके पानी को बेकार समझकर अक्सर फेंक दिया जाता है। लेकिन आप ये जानकर थोड़े हैरान होंगे कि आपके स्किन और बालों के लिए बेकार चावल का पानी काफी फायदेमंद साबित होता है। आइए जानते हैं कि कैसे ये बेकार पानी आपकी त्वचा की खूबसूरती को बरकरार रखने में कारगर साबित होता है। नंबर वन, आपको बता दें कि अगर आप अपने चेहरे को चावल के ठंडे पानी से धोते हैं तो आपका स्किन सॉफ्ट और क्लीन रहता है। इसके अलावा ये पानी आपके चेहरे के दाग धब्बे को आसानी से दूर करता है, क्योंकि इसमें भरपूर मात्रा में प्रोटीन, विटामिन और एंटीऑक्सीडेंट के तत्व मौजूद होते हैं, जिससे आपके चेहरे की सारी समस्याएं दूर होती हैं। नंबर टू, अगर आप लंबे समय से झुर्रियों से परेशान हैं तो आप इसके लिए चावल के पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे आप झुर्रियों से चुटकियों में छुटकारा पा सकते हैं। इसके लिए एक गिलास चावल का पानी लेकर उसमें एक पेपर टॉवल को 10 मिनट तक भिगोए रखें। उसके बाद पेपर टॉवल को पानी से निकालकर अपने चेहरे पर फेस मास्क की तरह 20 से 25 मिनट तक लगाए रखें। उसके बाद अपने चेहरे को साफ पानी से धो लें। इसके अलावा चावल के पानी का आप बालों को मजबूत और चमकदार करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए आप सबसे पहले चावल के पानी का कंडीशनर के रूप में इस्तेमाल करें, लेकिन उससे पहले आप अपने बालों को शैम्पू से धोएं और उसके बाद चावल के पानी को अपने बालों में लगाकर हल्के हाथों से मसाज करें और थोड़ी देर बाद अपने बालों को साफ पानी से धो लें। ऐसा करने से आपके बाल चमकदार और काफी मजबूत बनेंगे। क्यूरनहल डेस्क से रानी की रिपोर्ट। अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या फिर स्क्रिप्ट राइटर, तो हमें संपर्क करें।